हेलो फ्रेंड्स, हेलो। और बन रहा है लौका का पकौड़ी, लौका कटा रहा है। देखिए उबला ना, उबाले का बहुत अच्छा नहीं कर, तो ही उबला जी। हाँ कुल के बना दो। हाँ ले लूँ जी। ना कुल बेसन थोड़े लगी, डुबा डुबा बना दो बाबू, भर के ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, लौका का पकौड़ी फायदा करी नुकसान ना करी, मोटे मोटे काटा, गुड़गुड़ गुड़गुड़ लपेटे ना करी। और ये लौका है एकदम, देखिए तनी मनी हुई, कुल के बना दो, पेट ना भरी करो खराब है। तो देख सकते हैं देसी स्टाइल में लौका का पकौड़ी बन रहा है। इसका शॉर्ट्स वीडियो भी बनाना पड़ेगा ना, आजकल लोग शॉर्ट्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स तो एडिट करके इसका शॉर्ट्स भी बनाएंगे, शॉर्ट्स। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चलिए पूरा लौका कटा जाएगा तो बेसन का पेस्ट दिखाएंगे आपको। अब ये मसाला पिसा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। हाँ तनि रोड के कुल नक्शा निकल जाए तब आराम से घर बनाएंगे। कितर कितर का निकलत है, तो फरवरी में बीके के फॉर्म के पता करो कि कागज अभी दाखिल करे लाइल कहे निकल। वो बकियों देरिए से रहे, वो ठंडा में इसको तैयार रहते सर ना, वह ना ही वो बकियों देरी से अल सर। हम लागत 1.5 महीना लगा है सर दाखिल खारिज में। वो बकियों इंतजार करत 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 आई रहे, तो दाखिल खाए कागज आई तब ठीक कही ले। तो देखिए दोस्तों, मसाला पिसा रहे, पिसा जाएगा तो दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह से मसाला पिसाता है, सबसे बढ़िया बा, एकदम देसी मसाला है। धनिया का पाउडर तन खिला दी, हाँ पिसल बना है खाली, ओकरा के अलग से पीस, ओकरा में कुछ मिलाओ मत, तो कुल मसाला के काट देता मिले पे, अलग अलग मसाला रख ना। ये खाली मसाला पिसल ठीक बा, शिल्पा के मसाला पिसल बढ़िया ना बा, खाना टेस्टी लगेगा। अपने के अलग से काली मिर्च गरम लिया ठाके खाती। तो देख लिए दोस्तों, ऐसे मसाला पिसाता है, इसका भी मैं शॉर्ट्स बना के डालूंगा। है हाँ खर्चा इतना बात, देखिए इस तरह मसाला पिसा देता है। तो चलिए पूरा दिखाई देते हैं आपको, चटनी हम बनाएंगे उसको, उबाल उबाल के ठीक से बनाएंगे, नहीं मिक्सी में पिसाएगा, मिक्सी में। अरे उबाल के नीक से बनाए ना, ओके चलो। तो पहले तू बनाबा, हम साइड से हम बना देव कर। बहुत मोमोज वाला चटनी बनाएंगे दोस्तों, VIP चटनी एकदम टेस्टी टेस्टी है। हाँ अरे तो एगो टमाटर प्याज तन सब काट के हो जी, बस तन से तेल में तो फ्राई करे के बाद। चलिए दोस्तों मसाला पिसा गया, मसाला ठीक बा, तो तार से तनिया मेहन पीसे नहीं, लेकिन चलो। अच्छा तू होने से निकालू, ठीक कर, तो हम होने से निकाल, यहीं से छितरा जला हमारे तनि। चलिए हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए पेस्ट बन रहा है, बताइए जी क्या क्या है इसमें। जीरा मरीच लहसुन मिर्चा हल्दी नमक बेसन। तो देखिए ये है, और वहाँ पर तेल गर्म हो रहा है, तो ये है पेस्ट। इतने मोट रहे ना, देखे नहीं एकदम एकदम पाती ना रहे ना, तनी और ही पानी लगी, इतना रहो कि चिपी चिपी के जाओ उबैला पे ना। खोतने तेल में छाना जी, कंजूस डुबा डुबा ना छान तो रसन टीवी में लगो होता ना, पागल बने ले बड़ू तेले भाग तेल लगो उतना उरी, देख होता ना कि तेल और लग रहा, ढेर का तेल में वो खुश रह सन कि ढेर तेल ना पिए के जाना सन कंजूस में, तो वो खूब तेल चूस बस रहे दो, तो वो लग रहा सन तेल चूसे। अरे वो कमांडर की ना तेल खाती, तो बोतल में ले आओ तो कमांडर में धो दिल करो, 2 लीटर के कमांडर की ना चाहते तेल खाती, मूस के काटला के बाद नहीं खे, तुरंत छान के आदमी कमांडर में धो दिए तो उधर गंदा ना हो। देख सकते हैं दोस्तों ये फेटा गया है, इसमें सब लाया गया है क्या क्या, वो आपको वीडियो में पता चल गया होगा। अब आपको चटनी देसी मोमोज वाली चटनी बनाना सिखाएंगे। अच्छा तो ठीक जाने दीजिए दोस्तों, तब तक हम चटनी का रेसिपी बताते हैं। देखिए ये है टमाटर, ये है प्याज, लहसुन अदरक और मिर्चा, ये सबको थोड़ा सा तेल में फ्राई करेंगे, उसके बाद सिलबट्टे पे मिक्सिंग पीस देंगे, तो ये मोमोज वाली चटनी तैयार हो जाएगी, ठीक है, और ये काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो चलिए इसको थोड़ा बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी साइड इस एंगल से बनाएंगे, और लावा गर्म करो। हाँ उतना तेल लाग जी, तो ये अभी तेल गर्म हो रहा है, और ये देखिए इसको डुबा डुबा के नीचे बनेगा, और तेज़ आँच पे करो, तो पे एकदम तेल मुसिन देवे के बाद, ओके हाँ ओके बाद पिसा जी तो हो जी चक्कर चक्कर, ग्रेवी नहीं हो जाए तो नीक लगी, ये मोमोज का चटनी बनेगा। अरे वीडियो अभी गर्म हो नहीं खिला दिलस, ओके डटियो लगे भैया तोड़ दी, डटी लगी बताओ कबिल गैस आन बा। चलिए दोस्तों ये चटनी का रेसिपी तब तक पर्दे बना दिखा देते हैं, लावा हो कुल लावा एक में कुला दो,
प्याज वाज सब भूज भाज के, ये मोमोज वाला चटनी नेट पर देखे थे उसी तरह बनाएंगे। हाँ हाँ लावा, पूरा टमाटर लगाएगा और इसको ढक दिया जाएगा, थोड़ा सा चला के इसको ढक देंगे, थोड़ा सा इसको चला दो जी। लकड़ी वाला नहीं है ये मोमोज वाला चटनी बनाए दोस्तों, इसका शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर तेल गर्म हो रहा है, अब वो ना उसको भी मैच करके तो उसको ढक दीजिए जी, कुल तुरंत सरिया दिया हो जी, तुरंत कुल चीज़ तो मिल जाता है, कुल चीज़ मिल जाता है ना, कुल मिल जाता है। हाँ हजार भाव आपके धा दिया होने, ओके तो पता एकदम उसी ना पैक दे एकदम, उसमें हल्का सा नमक डाल देती तब ना देखिए दोस्तों, थोड़ा सा नमक डाल देता है जल्दी से गल जाए और उसका उसका चटनी बन जाएगा, ठीक है भाई। जब ठंडा होगा तब उसको पीसा जाएगा और उसको तोप दो, एकदम गल जाएगा ग्रेवी जैसे, तब उसका चटनी बनाया जाएगा। और ये अपना गर्म हो चुका है तेल, तभी छनाएगा, ठीक है गाइस, और छनाएगा तो हम खाएंगे तो दिखाएंगे। अरे छाने वाला बाना हो से निकाल, छिटका पड़े बू उल्टे कुल हथवे कैले भैया, दे हम छान छान निकाली तो देखिए दोस्तों, ये चार चार को बस लावल जा, अच्छा ठीक बा, ये तो इतना मोट लीजिए कैले बड़ू तनि और पतला रही तो सटी ना, ना अच्छा गुदगुद हो गया। तो देखिए दोस्तों, हाँ जो यूट्यूब पर निक से ना बनी लो तहार निक से बचाए खाती करती है, हाँ तहार एकदम जाए शॉर्ट्स पे लौका का पकौड़ी, देखिए दोस्तों अभी यूट्यूब पर डाल रहे हैं शॉर्ट्स पे लौका का पकौड़ी कैसे बनाए, तो देख सकते हैं अभी छाना जाएगा तब दिखाएंगे। और उधर वो चटनी का अपना रेसिपी बन ही रहा है, हाँ तौरी वाले का एकदम टमाटर और पिपला जी तब देखिए दोस्तों, उसमें चट देखिए दोस्तों, अब इसको पलटा जा रहा है थोड़ा थोड़ा साइड करके, वो तो ढेर खाई गोभी कहना लेके लो, देखो कोनो चीज़ डुबा के छाना एकदम तेल ना सूखी ढेर, कम करबू तू कम के ढेर तेल सूखेला, इतने में चना के बनेबू ना दाल के नमकीन एकदम पड़ा पड़ा बनी पड़ा पड़ा एकदम डुबा डुबा छानल करा, तुरंत टन देने कमंडल में धोबू तो ढेर तेल में छानी, ढेर तेल में छाना पे तेल नहीं सूखा ढेर, देखो तो उड़ते रहता है हमका, ये असली हम छाने लेकर समझे नहीं, ये वो गहरा करा है कि ना बोर तेल छाने खाती डुबा डुबा छाना। तो देख सकते हैं दोस्तों पकौड़ी छाना रहा है, ये बेसन का पेस्ट, ये लौका, ये और थोड़ा चटनी ट्राई कर लेते हैं, चटनी देखा हो कहाँ तक खुलवा, अब छोड़ दो पाकत है आज दिन कह दो तनी मीडियम जरेबू का कुछ, ये खाली छना जी ना तो हाई हाई छाने लगी हो गई, बंद कर दो का ठंडा है दो। तो वो मोमोज वाला चटनी बन चुका है, अब उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, कौन सस्पेंजर हम किन के दिले बनी, तो एकदम मुलायम बांध से ना किन मुलायम मुलायम किन बेबो, एक डोसा खाती किनल चाहता है एगो डोसा खाती किन खाए पिए के व्यवस्था रहता आदमी खाई ना, मैं बस मसाला ले लूँ ना भुला, चलिए दोस्तों छना गया है ला दो तनिक हो जाए फिर ले ना कुल ला दो काम भर बा भुला गए बस मसाले ले जाके सोचो तनिक बंडल ले जाकर धो दी किफायत रही तनिए तनि ठीक बना पाँच असली खड़क के मसाला के मजा बा। तो चलिए दोस्तों बन गया है, थोड़ा चटनी बन जाएगा तो खाएंगे, तो चलिए खाते हुए दिखाएंगे लावा, छना गया है दोस्तों पकौड़ी निकल रहा है, तो चलिए थोड़ा रेडीमेड चटनी से इसको ट्राई मारेंगे, उसके बाद मोमोज वाला चटनी बनाएंगे तो इसे खाएंगे, ठीक है। देखा तड़ू छना था तनिक बा एक एक लीटर तेल में छना, तो चलिए दोस्तों अब खाते हैं, ये रहा प्लेट हल्का सलाह देबू पानी तो ठीक है बा, 19-20 तनि गाढ़ा बा लेकिन ठीक कहूँ बा, तो जाए तब रह दो इतना ठीक बा, दुकान पे इतना गाढ़ा बनाओ थोड़ा सन बेसनों के पुल पुल करके छाना थोड़ा सन बेसनावा के होने के फायदा बा, बेसनावा के तुरंत पेस्ट बन जाता डुबा थोड़ा सन तो ना लस लस रहते ना। रेडीमेड चटनी थोड़ा लेके आते हैं और उसके बाद ऐसे ही खा के रुके टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। हाँ तो दोस्तों मोमोज वाला चटनी बन रहा है, इसको तेल ओल में फ्राई कर दिए हैं, देखिए मोमोज वाला चटनी बन रहा है, काफ़ी टेस्टी लगेगा, सुगंध होते कर बढ़िया लगाता है, लागल फेंके फेर खा जाओ चुनि, हाँ कहीं मैक्सिम तुरंत पूरा नाटक करते हो मिले
मिक्सी में पिसा गई रहे उजाइ रही चल के मिक्सी में पीसे करा के करबच करबच पीस दिली मोमोज के चटनी ऐसा ना बन रहा सिल पे चल लेके आओ मिक्सी में एकदम महीना एकदम पानी नहीं पीसे के बाद मिक्सी में खुआते तो नाटक कर खाते लोग पकौड़ी छोड़ के उजाले कुल लहसुन फेंक दे हला स्कूल बोकल बोकली बोकल वही पे रही क्या कुछ हां मिक्सी में कुल पिसा गेल बोकल छिल के पिसा समझा दे हम देखी जाना का बोल रहा है एकदम एक एक ना एक एक एकदम गवार बना दे लस चटनी के मिक्सी में पिसा सब कुल फेंक दिया ऐसा ना रहला होनी के मिक्सी वाला है ये हतई चल ना फिर हमार से फिर हम खाइबे ना करब चल तू नाटक कर तो देखा तो मिक्सी में पीसे देखिए दोस्तों मोमोज का चटनी बन गया है। इसका डिब्बा खोलते हैं ये देखिए एकदम प्योर मोमोज का चटनी बना है देखा हो है तो न बन रहा ये है मोमोज का चटनी। चलिए इसको थोड़ा बना लेते हैं पानी डाल के। हाँ तो गाइज मोमोज वाला चटनी बन के तैयार है और इतना टेस्टी है ना इतना टेस्टी है बहुत टेस्टी है गाइज बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए अब खा के देखते हैं ठीक है। तो इसी तरह आप लोग मोमोज का चटनी घर पे बनाइए एक दिन स्पेशल बना के दिखाएंगे ठीक है। चलिए दोस्तों अब ये है इस तरह से और इसमें इसमें हम लोग अपना मोमोज वाला चटनी डालते हैं कटोरी में निकालता हूँ मोमोज वाला चटनी क्योंकि मैं ही बनाया हूँ तो मैं तो खाऊंगा ही ना गाइस ठीक है। मोमोज वाला चटनी अंदर रख देते हैं द पकौड़ी द ये रहा हमारा मोमोज वाला चटनी वीडियो बन गया है थोड़ा सा खा लेता हूँ। आप चटनी आप लोग नहीं खाएंगे गाइस मिल जाओ।